टू माई YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स फाइनली हॉर्नेट BS6 आ चुका है खड़गपुर में, तो मैं देखने के लिए गया था एंड वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑल्सो गया था। गाड़ी तीनों कलर में मैं देख लिया हूँ, इसी के साथ ब्लैक कलर में ऑल्सो अवेलेबल है, ब्लू रेड एंड ऑल्सो ग्रे कलर मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ एंड इसी के साथ ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। एंड गाड़ी है 153,000 का। ओके, गाड़ी का जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है खड़गपुर में इसका प्राइसिंग है 153,000 सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। इसका जो गोल्डन USD है वो फ्रंट से बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड गाड़ी का पूरा लुक्स आप देख सकते हो। साइड से गाड़ी एरोडायनामिकली बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, मतलब हवा को काट के निकलने के लिए गाड़ी को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एंड इसका फ्रंट लुक आपको ज़्यादा पसंद आएगा। एंड ये है ग्रे कलर में आप देख सकते हो गाड़ी, गाड़ी में स्टिकरिंग का भी बहुत सारा एरोडायनामिक्स का काम हुआ है एंड गाड़ी का जो टैंक डिज़ाइन है वो फुल्ली एरोडायनामिक डिज़ाइन में है। एंड फ्रंट में जो हेडलाइट का लुक है, गाड़ी में ऑल LEDs है फ्रंट में एंड रियर में ऑल्सो LEDs है एंड इंडिकेटर्स वगैरह चारों LEDs में है एंड इसी के साथ USD मिलता है। स्प्लिट सीट आपको 590mm का ज़्यादा लंबा सीट मिलेगा, हालांकि सीट स्प्लिट है एंड टायर्स में आपको रेडियल टायर्स ही मिलेगा 140x70 सेक्शन का 17 इंच का ही। एंड आप गाड़ी को देख सकते हो पूरा, ये है रेड कलर में गाड़ी एंड इसका इंजन के नीचे जो क्राउल लगा है वो इंजन क्राउल भी बहुत ही अच्छा है, मैं देखा एक्सब्लेट की तरह ही है एंड इसमें फ्रंट में सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम लगा है। लेकिन गाड़ी में मेरे को जो डिसएडवांटेज लगा, इसमें डुअल चैनल ABS मांगता है, मतलब हम लोग क्योंकि 200cc में अगर डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है तो वो एक डिसएडवांटेज है 150,000 पे करने के बाद। फ्रेंड्स इसके इंजन के बारे में अगर बात करें तो गाड़ी है 184.40cc का 4-स्ट्रोक SI इंजन है जो BS6 में चलता है एंड इसके साइलेंसर पे भी आप कैटेलिटिक कन्वर्टर देख सकते हो। सिंगल सिलेंडर है, प्रोग्राम डेफाई इसमें भी है एंड होंडा इको टेक्नोलॉजी इसमें भी है। एयर कूल सिस्टम पे इसका पूरा कूलिंग सिस्टम है। इसमें जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो है 17 horsepower एट 8,500 RPM एंड जो टॉर्क आउटपुट है वो अच्छा है 16.1 Nm एट 6,000 RPM एंड इसी के साथ BS6 कॉम्प्लाइंट है। जो कंप्रेशन रेशियो है वो 9.5:1 है एंड इसी के साथ इसमें बोर एंड स्ट्रोक फिगर 61.0 एंड इंटू 63.09 वो ठीक ठाक ही है एंड इसी के साथ इसमें मल्टीप्लेट क्लच है, 5/5 गियर बॉक्स ही है। लेकिन इसमें पावर एंड टॉर्क फिगर में इसका जो कंपटीशन है जैसे 4V200 एंड NS200 ड्यूक का बात तो छोड़ ही देते हैं, उसी के साथ पावर एंड टॉर्क फिगर में कहीं पे भी उन लोगों के पास में भी नहीं जाता एंड इसी के साथ इसमें जो इंजन है इसका जो कूलिंग सिस्टम है फुल एयर कूल्ड में कर दिया, जो 200cc में ऑयल कूल या फिर फुल लिक्विड कूल देना चाहिए था होंडा को, ये मेरे को थोड़ा सा कम लगा है इस गाड़ी में। एंड इसी के साथ इसका जो माइलेज प्रोड्यूस करेगा 40-45 हो सकता है सिटी एंड नॉर्मल हाईवेज में दे दे, क्योंकि ये होंडा का इंजन है एंड इसमें भी साइलेंट स्टार्टिंग है एंड कैटलेटिक कन्वर्टर आप देख सकते हो साइलेंसर में, साइलेंसर के ऊपर एक अच्छा मफलर लगा है एंड इसी के साथ इंजन जो क्राउल है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसमें 5th gearbox ही है लेकिन NS में आपको 6th gearbox मिल जाएगा एंड इसी के साथ जैसे MT-15 में भी इससे कम CC है वो भी 6th gearbox में ही आता है। इसमें 6th gearbox होंडा से हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था लेकिन फिर भी 5th gearbox में ही है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, 167mm यूनिकॉर्न की तरह ही ग्राउंड क्लियरेंस है जो आप गाड़ी को कहीं पर भी चढ़ा सकते हो ईजिली। लेकिन इसका जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से गाड़ी में फीचर्स वगैरह थोड़ा बहुत कम लगा मेरे को इंजन से रिलेटेड, बाकी इंजन क्राउल या फिर इंजन गार्ड आपको बॉडी कलर में के साथ सेम मैचिंग में मिलेगा। हॉर्नेट में आपको टैंक के ऊपर होंडा का बैचिंग 3D लोगो एंड इसी के साथ टैंक में फाइबर का बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएगा एंड इसी के साथ स्टिकरिंग आपको हॉर्नेट जो लिखा हुआ है वो स्टिकर में ही मिलेगा एंड उसी के साथ जो पेट्रोल फिलिंग कैप है वो रिमूवेबल है, मतलब फुल्ली रिमूवेबल नहीं है एंड इसी के साथ टैंक में ही आपको की ऑप्शन मिलेगा FZS की तरह ही एंड इसी के साथ 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड स्प्लिट सीट आपको मिलेगा। सीट का जो लेंथ है वो है 590mm एंड इसी के साथ फ्यूल टैंक आपको 12 लीटर का कैपेसिटी एंड ये जो पिलियन ग्रैब रेल है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड बाकी का पीछे का जो अटैचमेंट्स वगैरह है वो फाइबर में ही है। मैं ग्राउंड क्लियरेंस 167mm का बोला था, बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का एंड इसी के साथ गाड़ी का जो कार्ब वेट है वो है 142 kg। फ्रंट से इसका जो गोल्डन USD है वही आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। गाड़ी का ओवरऑल लेंथ है 2047mm, ओवरऑल विड्थ है 783mm, हाइट है 1064mm, गाड़ी का सीट हाइट है 790mm जो स्टैंडर्ड है एंड इसी के साथ व्हील बेस है 1355mm एंड इसी के साथ गाड़ी का जो वेट है मैं पहले भी बोला था 142 kg कार्ब वेट है एंड गाड़ी का टैंक लुक आप साइड से देख सकते हो, ज़्यादातर फाइबर का ही काम किया गया है एरोडायनेमिक डिज़ाइन के वजह से।
फ्रेंड्स, गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो है फुल्ली डिजिटल, जिसमें आपको स्पीडोमीटर डिजिटल में, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS इंडिकेशन, फ्यूल गेज एंड लो फ्यूल वार्निंग अलार्म, गियर इंडिकेटर, सर्विस इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, सब कुछ दिखाया गया। एंड इसी के साथ इसमें आपका हैजार्ड लाइट है, जो हैजार्ड लाइट का ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो। एंड LED लाइट्स इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका फ्रंट लुक एंड स्पेशली इसका जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो मेरे को ज़्यादा पसंद आया, लेकिन बैक लाइट मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है हॉर्नेट का, क्योंकि उसमें एक्स पैटर्न में है बैकलाइट एंड उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। एंड इसमें आपको ऑल्सो बैटरी वोल्टेज भी दिखाया, जैसे दिखा रहा है 12.6। अब ट्रिप ए भी मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा, RPM इंडिकेशन मिल जाएगा एंड इसी के साथ ABS इंडिकेशन एंड नॉर्मली इंजन मालफंक्शन लाइट जो BS6 में होना चाहिए वही है। एंड टैंक में आपको चाबी का ऑप्शन मिलेगा FZS की तरह। राइट साइड स्विचिंग में आपको इंजन किल स्विच के साथ हैजार्ड ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा एंड सेल्फ स्टार्टिंग स्विच आपको मिलेगा। एंड इसके साथ इसका जो एक्सेलेरेटर है वो वाटरी है, पूरा स्मूथ है। इसके साथ लेफ्ट साइड स्विचिंग में आपको हाई बीम, लो बीम एंड इसी के साथ इंडिकेटर्स वगैरह, हॉर्न का स्विच एंड आपको पास अलग से मिल जाएगा, आप देख सकते हो। एंड यही है गाड़ी में कुछ इंस्ट्रूमेंट कंसोल का जो लुक वगैरह। एंड चलिए मैं गाड़ी को लाइट वाइट्स ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ये लगता है। देखिए ये नीचे का लाइट जल रहा है। एंड इसी के साथ चलिए मैं इसको हैजार्ड लाइट भी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका हैजार्ड लाइटिंग कैसा है। एंड ये इसमें एक नेगेटिव डिस्प्ले है, आप देख सकते हो, जो आपको दिन या रात कभी भी अच्छा आउटपुट देगा। जैसे FZS यामाहा में है वैसी सेम टेक्नोलॉजी अभी सब कोई यूज़ कर रहा है। जैसे इंडिकेटर्स वगैरह देखिए कैसे मस्त जल रहा है। ओके, मेरे को इंडिकेटर्स इस गाड़ी का ज़्यादा पसंद आया है एंड हैजार्ड ऑन करने पे इसका इंडिकेशन और अच्छे से लगता है मेरे को। देखिए हैजार्ड ऑन करता हूँ मैं अभी देख लीजिए कैसा चल रहा है। पीछे से इसका लुक देखिए एकदम अट्रैक्टिव एंड फ्रंट से और ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है, क्योंकि इसमें USD फॉक्स है एंड इसके साथ इसका जो लुक है वो NS 200 की तरह थोड़ा सा लगता है मेरे को। फ्रेंड्स, हॉर्नेट में आपको फ्रंट में गोल्डन USD मिलेगा जो अट्रैक्टिव है एंड इसी के साथ इसका जो डिस्क ब्रेक है वो 276 mm का इसका डाया है एंड सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम है। एंड इसी के साथ इसका जो टायर सेक्शन है वो है 17 इंच का ही, 110x70 सेक्शन का रेडियल टायर आपको मिलेगा। एंड रिम में आपको जो स्ट्रिप्स मिलेगा वो बॉडी कलर से सेम है एंड आप देख सकते हो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रंट लुक। एंड इसमें रिम पैटर्न एक न्यू टाइप का मिलेगा आपको। इसमें आपको पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम मिलेगा जो एडजस्टेबल है एंड यूनिकॉर्न से लेके होंडा का मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल है एंड इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। यही एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम आपको हॉर्नेट BS6 में भी मिलेगा। थोड़ा अपग्रेडिंग वर्सन सस्पेंशन सिस्टम शायद नहीं है, लेकिन इसका आउटपुट अच्छा होगा। एंड इसके साथ पीछे आपको नॉन ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, 220mm का डिस्क ब्रेक एंड इसके साथ टायर सेक्शन आपको 140x70 सेक्शन का रेडियल टायर्स मिलेगा 17 इंच का ही, आप देख सकते हो टायर्स। एंड रिम भी, हब जो है उसका डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज है। एंड इसी के साथ आपको मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ेस दिखा देता हूँ, जैसे साइलेंसर कवर एंड इसी के साथ इसमें विलियन फुटरेस्ट, वही सेम मटेरियल यूज़ किया गया है जो बाकी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है होंडा का। एंड इसी के साथ ये है ब्रेक लीवर एंड ये है स्विंग आर्म इसका एंड चेन डिज़ाइन आप देख सकते हो जो हॉर्नेट का। BS4 में इसका चेन का कंप्लेंट बहुत ज़्यादा था, अभी पता नहीं BS6 में इसका आउटपुट देखना पड़ेगा कैसा है। हो सकता है होंडा थोड़ा इम्प्रूव किया है, लेकिन चेन के बारे में फीचर्स में कोई भी मेंशन नहीं है। इसका फुल स्टैंड आप देख सकते हो थोड़ा ऊंचा है एंड इसमें 5th गियर बॉक्स ही है, मैं पहले भी बोला था आप लोगों को एंड ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा है। इंजन का साउंड भी मैं आपको सुना दिया हूँ एंड गाड़ी जाके आप प्रैक्टिकली देखिए, टेस्ट राइडिंग लीजिए, देन डिसाइड कीजिए। अगर 200cc में आपको कोई भी गाड़ी लेना है तो आप होंडा के साथ जा सकते हो, लेकिन प्राइसिंग इसका थोड़ा देख लेना। इस रेंज में आपको NS या फिर अपाची 204B भी मिल सकता है एंड उसका उसमें स्लीपर क्लच वगैरह एंड 6 गियर बॉक्स बहुत कुछ है जो एंड पावर एंड टॉर्क फिगर भी इससे ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें आपको USD मिलेगा जो इस गाड़ी को थोड़ा एडवांटेज देता है, लेकिन आप टेस्ट राइड ले लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि कौन सा गाड़ी आपको चाहिए। एंड ओवरऑल गाड़ी ठीक ठाक ही है, प्राइसिंग देखे तो वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक ठाक है, क्योंकि एक्सप्लेट आपको 1,30,000 जाता है तो इस गाड़ी का प्राइस तो 120,000 ज़्यादा देना ही पड़ेगा। एंड इसके साथ गाड़ी का लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव है,
अच्छा है इसका लुक्स एंड इसका रियल लाइफ परफॉर्मेंस देखेंगे। जल्दी राइडिंग वीडियो बनाऊंगा जिसके साथ इसको और अच्छे से जान सकूंगा मैं और आप लोग। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल बाई चॉइस को फॉर मोर अपडेट्स। लीव योर लाइफ लीव योर ड्रीम। अगर कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर आइए, नहीं तो कॉमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा एंड बात हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट में। बाय।